हेलो गाइस, दिस इज शिवम एंड यू वाचिंग जीनियस गुरु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पेड फॉर आर्टिकल्स के पेड व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। गाइस, YouTube पे ये वाली वीडियो अगर आप सर्च करोगे कि पेड फॉर आर्टिकल्स पे अनलिमिटेड पेड व्यूज कैसे ले सकते हैं, सो गाइस एक भी वीडियो आपको इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी। मैंने ऑलरेडी चेकआउट कर रखा है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सो गाइस, एक ब्रदर ने ये कमेंट किया था पेड फॉर आर्टिकल्स पर अनलिमिटेड पेड व्यूज कैसे ले सकते हैं, तो गाइस ये वीडियो उन्हीं के लिए। एंड गाइस, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, हमारे इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके कमेंट में क्वेश्चन किए गए होते हैं। बिकॉज गाइस, ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, बिकॉज मुझे आपकी हेल्प हर हाल में करनी ही है। सो गाइस, वीडियो को चेक करते हैं स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए। उससे पहले गाइस, आप ये चार्ट देख रहे हैं, गाइस मैं इस चार्ट का जिक्र अपनी हर वीडियो में इसलिए करता हूँ बिकॉज गाइस वीडियो को पूरा देखते हैं न्यू व्यूअर्स या आप ही लोग, बट गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर से डीमोटिवेट वाली फीलिंग आती है। गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज गाइस इस चैनल पे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, उससे पहले अगर आपने दो वीडियोस पेड फॉर आर्टिकल्स की नहीं देखी, गाइस इसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस पे काम करना है लाइव प्रूफ के साथ। एंड गाइस, सेकंड वाली वीडियोस में मैंने ये बताया कि कैसे आपको आर्टिकल्स इस पे लिखना है और किस तरीके से आर्टिकल्स लिखना है जो आपकी ज्यादा से ज्यादा पेड व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा हिट्स आए। एंड गाइस, जब मैक्सिमम पेड व्यूज आएंगे तो उससे रेवेन्यू भी बनता है, वो तो आप सभी लोगों को पता ही है जो लोग इस पे काम करते हैं। बट गाइस, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर आपने आर्टिकल्स अच्छा कर भी लिया, आर्टिकल अप्रूव भी हो गया, बट गाइस अब काम अब बात आती है कि उसे वायरल करने की या उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने की। सो गाइस, अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा तो हमें रेवेन्यू भी ज्यादा से ज्यादा बनेगा, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि व्यू पे $5 पेड फॉर आर्टिकल्स हमें पे कर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक नहीं दो नहीं आपको पांच ऐसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसपे लोग अपनी वेबसाइट्स या किसी भी आर्टिकल्स पे ट्रैफिक ले रहे हैं, गाइस लाखों का ट्रैफिक ले रहे हैं। तो वो पांच प्लेटफॉर्म रेडिट, पिंटरेस्ट, कोरा, medium.com, लास्ट रह जाता है टिबलर। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अब इस पे कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको आर्टिकल रैंक कराना है, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे सभी का आपको कैसे आपको ज्वाइन करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर पे दिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले आपको पेड फॉर आर्टिकल्स का अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने आर्टिकल्स में जाना है, जो भी आर्टिकल्स आप पब्लिश जो भी आर्टिकल्स आप वायरल कराना चाहते हो, जिसपे ज्यादा व्यूज लाना चाहते हो, गाइस सिंपली आपको वो आर्टिकल जो अप्रूव्ड हो, सिंपली आपको वो आर्टिकल्स व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपको एक लिंक जो सर्च बार में लिंक मिल जाएगा गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला, सिंपली आपको ये लिंक कॉपी करना। उससे पहले गाइस मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए थे, जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, इससे लोग काफी ट्रैफिक लेते हैं अपनी वेबसाइट्स पे एंड वीडियोस पे गाइस। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यही बताऊंगा। सिंपली आपको ये डिस्क्रिप्शन में इन चारों पांचों प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल सभी पे रजिस्टर्ड हो लेना है गाइस। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सिंपल सब पे रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका हूं। तो मैं आपको यहां पे मेन मेन चीजें बताऊंगा जो भी आपको करना है, जिससे लोग ट्रैफिक लेते हैं, जिससे आपके जो पेड व्यूज हैं वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे और उससे आपके इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट बना लेना है यहाँ पे जब आप फ्रंट पेज पे आओगे होम पेज पे, तो सिंपली आपको एक क्रिएट पोस्ट पे दिखेगा, सिंपली आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दोगे एंड उसके बाद आपको अपने अकाउंट की जो भी आपने लिंक कॉपी किया था उसे कॉपी किए रहने देना है। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपना टाइटल वार, जिस भी आर्टिकल्स को आप ज्यादा वायरल कराना चाहते हो उसका टाइटल वार कॉपी करके आप सिंपल से यहाँ पे टाइटल पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, चाहते तो लिख सकते हैं गाइस, बट हम लिख देंगे तो यूजर को जो इस पे जो भी जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी तो वो आपका आर्टिकल्स बहुत अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आर्टिकल से पैराग्राफ की जो समरी होती है वो आपको सिंपली कॉपी कर देनी है एंड वो भी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड गाइस, इस यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल्स की लिंक भी डाल देनी है। लिंक इस तरीके से डालनी है, कोई अट्रैक्टिव सा वर्ड यहाँ पे लिख के, लाइक मैं यहाँ से टाइटल ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल से टाइटल ही
पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इस टाइटल को गाइस लिंक दे देता हूँ, ठीक है। वो कैसे देंगे, सिंपली आपको ये सिलेक्ट करना है एंड आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि ऊपर एक स्टेटस बार में आपको लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से अपनी लिंक उस आर्टिकल्स की कॉपी करनी है जिसके भी आपको पेड व्यूज चाहिए। उसका कॉपी करने के बाद आपको सिंपल फिर से यहीं पे जाना है एंड यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट लिंक आपको पेस्ट कर देना है एंड इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करके थोड़ा सा और अपनी सैमरीज वगैरह थोड़ा अट्रैक्टिव सा यहाँ पे बना देना गाइस। ये हर एक आर्टिकल में, जो भी आर्टिकल आपका अप्रूव्ड हुआ है, हर एक आर्टिकल में अगर आप ये करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस आपके आर्टिकल्स बहुत जल्दी रैंक होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सभी पे आपने एक एक बार में सभी पे 20 मिनट निकाल के सब पे ये चीज़ किया, तो गाइस मैं आपको सिंपल से इसमें सब चीज़ बता दे रहा हूँ एंड सभी पे आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी प्रोफाइल नेम हो हम इसमें ये डालना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ये सिलेक्ट कर देना एंड देन आपको सेकंड वाले पे आना। अब यहाँ पे आपको अपने आपने जो लोगो लगाया था इसमें, आई मीन जो फीचर ईमेल लगाया था, सिंपली आपको वो अपलोड कर देना है। लाइक मैं ये वाला अपलोड कर देता हूँ गाइस आपको दिखाने के लिए। अपलोड करने के बाद आपको फिर से अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, ठीक है। आपको सब चीज गाइस यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने ये पोस्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, आपको सिंपली इस पर पोस्ट कर देना है, ठीक है। आपके सारे जितने भी आर्टिकल्स अप्रूव्ड हुए हैं, जितने भी हो गए, सभी को आपको यहाँ पे पोस्ट ऐसे ही करना है, अपनी लिंक अटैच करके एंड अपना बढ़िया से डेकोरेट करके जो भी मैंने आपको बताया उसी तरीके से। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लेगा एंड ये उसके बाद पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग रेडिट पे विजिट करेंगे, रेडिट का वैसे तो लार्जेस्ट गाइस यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और बहुत से लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ढूंढने के लिए आते हैं एंड उनमें से किसी को आपका अगर ये बहुत अच्छा जो डेकोरेट किया हुआ ये वाला पोस्ट है किसी को दिख गया, ये देखिए गाइस, तो सिंपली अगर कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपका पोस्ट खुल के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका फीचर मेज था एंड देन गाइस यहाँ पे सब कुछ वो देख सकता है आपका, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से शेयर वगैरह सब कुछ वो कर सकता है एंड अब इसके बाद क्या करना है गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड चलते हैं सेकंड प्लेटफॉर्म की है, वो है टेम्बलर। इस पे भी आपको सिंपली से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पे भी आपको लिंक वगैरह टाइटल वगैरह सब चीज सेम टू सेम ऐसे ही करना है। मैंने एक आपको कॉपी करके इसीलिए बताया आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ऐसे ही क्योरा पे गाइस आपको पता ही होगा क्या होता है, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस वगैरह पब्लिश करते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो लोग पब्लिश करते हैं, अगर आपको उसका आंसर्स पता हो तो आप उसका आंसर देखिएगा इस उसमें अपनी जो इसका लिंक जो मैंने बताया आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं और अब आपने जो आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किया था उसका कुछ शीर्षक उठा के पैराग्राफ उठा के यहाँ पे समझ रहे हैं आप यहाँ पे आपको टाइप कर देना है पूरा। आप समझ रहे हैं ना गाइस, एक एक स्टेप आपको सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ सब कुछ वैसा ही करना है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपको पेड व्यूज गाइस यहाँ से इंक्रीज होगा, हर एक पेड व्यूज आपका इंक्रीज होगा। ऐसे ही आपको medium.com पे करना है एंड सेम टू सेम आपको Pinterest पे भी करना है, ठीक है। ऐसे ही Pinterest पे आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोज होते हैं, तो आपको Pinterest पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूंगा गाइस, जो आपका फीचर इमेज होता है वो अट्रैक्टिव लगाएं हमेशा, या खुद से बना के लगाएं या कैसे भी लगाएं अट्रैक्टिव लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बंदा है बंदी जो भी साइट विजिट करते हैं, लाइक यहाँ पे आपको कोई भी इस पे क्लिक करता है, सबसे पहले मैं इस Pinterest का भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको ये सबसे पहले साइनअप कर लेना होता है। साइनअप आप किसी से भी कर सकते हैं, आपको एक किसी से भी अपनी एक पर्सनल जीमेल आईडी गाइस उससे आप साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको सिंपली से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको साइनअप करके भी गाइस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली से मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ एंड एक पासवर्ड चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एज वगैरह लिखनी होती है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा Pinterest का अकाउंट बनने के लिए, यहाँ पे ये अकाउंट बन चुका है। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आप जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह कुछ स्टेप्स पूछे जाएंगे, ये आपको क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरीज वगैरह पूछी जाएगी। यहाँ पे आप जिससे रिलेटेड आपका एक आपका जो ब्लॉग है जिससे रिलेटेड उस वो यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ढूंढने में टाइम नहीं लगा सकता गाइस, फॉर एग्जांपल आपका वेब डिजाइनिंग या
कोई टैक्स से रिलेटेड कुछ भी है आप यहाँ से ढूंढ लेना, यहाँ पे बहुत सारे काफी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से वो करने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है एंड ये थोड़ा सा प्रोसेस और लेगा एंड यू होम मेड फॉर आइडियाज। सिंपली आपको एक होम पेज इसका बन के इस तरीके का आ जाएगा, दैट मीन्स आपका अकाउंट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तो गाइस आपका अकाउंट कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से आपका पिंटरेस्ट अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको सिंपली से इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे पिन पे क्लिक करना है। जैसे आप पिन पे क्लिक करोगे गाइस ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा एंड यहाँ पे एड योर टाइटल जो लिखा है, अब यहाँ पे हमें सेम वही प्रोसेस करनी है जो हमने उस पे की थी रेडिट पे। ठीक है, आपको यहाँ से सिंपली फिर से वही चीज जो भी आर्टिकल्स और पेड व्यूज आप चाहते हैं सिंपली आपको वो फिर से कॉपी कर लेना है एंड गाइस आपको आना है अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे एंड टाइटल यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट बोर्ड जिससे भी रिलेटेड आपका कोई लाइक आपका न्यूज या टैग से रिलेटेड है, तो अगर आप टैग यहाँ पे टैग टिप्स वगैरह आप अपना एक बोर्ड बना लीजिए जिसपे आप जितने भी अब टैग टिप्स से रिलेटेड जितने भी आप अकाउंट लिखोगे सिंपली यहाँ से लिखे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट पे आप क्लिक करके एंड देन यहाँ पे इमेज जो भी आपने इमेज वहाँ पे फीचर इमेज लगाया है गाइस यही आपको शो होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ से लोग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं आपके आर्टिकल्स पर, सिंपली आपको वो कर देना है एंड यहाँ पे जो लिखा है एड डेस्टिनेशन लिंक, एज यू कैन सी गाइस एड डेस्टिनेशन लिंक, आपको सिंपली अब यहाँ पे अपना वाला ये वाला लिंक डाल देना है। गाइस आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, आपके पेड व्यूज यहाँ से बहुत फास्ट इंक्रीज हो गए। ये सब सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक आपका जैसे कि होम पेज में आपको फोटोज दिख रहे थे पिंटरेस्ट के, वहाँ पे उसी टाइप के आपके फोटोज वगैरह यही सब बन के आ जाएगा। जिस किसी जो अब जो कोई भी इस चीज को विजिट करेगा वो सिंपल से आपकी इस आर्टिकल्स पे भी रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही गाइस आपको पांचों प्लेटफॉर्म पे करना है, सिंपल से आपके ये सब करने के बाद आप 10, 15 या 20 दिन बाद देखोगे आपके पेड फॉर आर्टिकल्स का जो व्यू है वो पेड व्यूज है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी गाइस ये ट्रिक, यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना बिकॉज आपको ट्रिकिंग वीडियोस इस चैनल पे डेली मिलती रहेंगी। एंड गाइस अगर ये सब करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड गाइस आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको या इससे रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरीज है सो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने ये दो वीडियो चेकआउट नहीं किया अभी तक तो दोस्तों वीडियो को पहले इन वीडियो को देखकर ये वाली वीडियो देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बिकॉज गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।